इस वीडियो का टॉपिक है किस तरह से आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हो क्या भाई कुछ भी वीडियो बना देते हो, स्क्रीनशॉट लेना किसको नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, पर ये वीडियो बिल्कुल टोटली हटके होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको स्क्रीनशॉट के कई सारे फीचर्स जो है बताने वाला हूँ। सिंपल स्क्रीनशॉट कोई भी ले लेता है पावर बटन को प्रेस करके या थ्री फिंगर से प्रेस करके, पर यहाँ पे ना मैं तीन फीचर आपको बताऊंगा। जैसे ये मेरे में स्क्रीनशॉट का फीचर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट जो है स्क्रॉल स्क्रीनशॉट किस तरह से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप किस तरह से ले सकते हैं, पर्टियल स्क्रीनशॉट आप किस तरह से ले सकते हैं। एक तरह का स्क्रीनशॉट नहीं होता, कई सारे तरीके के स्क्रीनशॉट होते हैं जो कि आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किस स्क्रीनशॉट का कहां पे आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना जो सिंपल स्क्रीनशॉट लेने का तरीका वो होता है कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना होता है। तो देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट हो गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब एक तरीका है कि आपको ना स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आइकॉन पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अब यहीं पे ना आपको ना ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसके नीचे आपको या इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया स्क्रीनशॉट, इससे आप सिंपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहीं पे ना अगर आप जो है इसी पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल स्क्रीनशॉट किस तरह से ले सकते हैं। स्क्रॉल स्क्रीनशॉट का मतलब अगर आपको कोई लंबा स्क्रीनशॉट लेना है, मान के चलिए एक पीडीएफ है जिसमें 10 से 15 पेज हैं और उन सारे पेजेस को जो है आप एक ही स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हैं। जब भी कोई लंबी मतलब पीडीएफ होती है तो उसमें ना कई सारे पेजेस होते हैं, तो उसमें अगर उसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके 10 से 15 स्क्रीनशॉट हमें लेने पड़ेंगे। अगर आप उसे ऐसी एक ही स्क्रीनशॉट में जो कवर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। लाइक अगर ये सेटिंग है और सेटिंग का ये वाला जो पार्ट है वो स्क्रीनशॉट लेना है, अगर मुझे ये पूरा स्क्रीनशॉट में कवर करना है, ये पूरा जो एरिया है स्क्रीनशॉट में कवर करना है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। मान के चलिए एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है व्हाट्सएप की चैट का, ये जो पूरी चैट आपको दिख रही है इसका किस तरह से आप लंबा जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए ना हम व्हाट्सएप में जानेंगे। तो यहां पे ना ये मेरी काफी चैट है, तो चलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और स्क्रॉल स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसे स्क्रॉल करना है, ठीक है, स्क्रॉल करना है। तो देख सकते हैं मैंने स्क्रॉल कर दिया, डन पे हम क्लिक करेंगे तो ये मैंने स्क्रॉल स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक और स्क्रॉल स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे हम ना, अभी ना मैंने गलत कर दिया एक ना, हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हम स्क्रॉल स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हम इस पे प्रेस करेंगे, स्क्रॉल स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको इसे ऊपर करना है, पूरा आ गया, डन पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से। अगर आपको लंबे पार्ट को जो है, अगर आपके 10 से 15 पेजेस हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है, सेटिंग का पूरा लेना है, या फिर किसी भी चैट का लंबे मतलब स्क्रॉल टाइम में अगर कोई भी चीज है उस पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो चलिए हम चले फाइल मैनेजर में और अभी एक और जो स्क्रीनशॉट है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रीनशॉट में और स्क्रीनशॉट में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने पूरी सेटिंग का स्क्रीनशॉट लिया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से लेके मैंने ऊपर तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे ना आप यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं, कितना लंबा स्क्रीनशॉट है और ये एक स्क्रीनशॉट है। देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं सेटिंग में ही कर रहा हूँ पर ये स्क्रीनशॉट है। ठीक उसी तरह से अगर मैं पूरी चैट का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। इसे ना थोड़ा आपको जूम करना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये मेरे मतलब जो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ उसके टॉपिक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ तो वो आपको दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना लंबा स्क्रीनशॉट है, ये भी मैंने ले लिया है। और एक और स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने आपको बताया, आपको इस पर क्लिक करना है, पर्टियल स्क्रीनशॉट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसमें क्या है कुछ भी पार्ट मतलब जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, मान के चलिए आपको कुछ ही पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, मान के चलिए यहाँ पे ना हम ड्रैग करेंगे और ये जो कुछ ऐप्स हैं 4 से 5 इतना ही मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम राइट के टिक पे क्लिक करेंगे और जैसे हम राइट के टिक पे क्लिक करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है मेरे फोन में सेव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट सेव हो गया। तो गाइस कुछ इस तरह से तीन तरीके से आपसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।